Hello guys, welcome back to my channel, Ashi Jain's channel. So guys, today we are making a chocolate. So guys, please like, share and subscribe to my channel, Ashi Jain's channel. And guys, we are making from 4 to 5 ingredients chocolate. So guys, now let's open the video. Guys, for chocolate, first we have to take a utensil, take one big utensil and put some water in it, 1/4 water and 1/2 sugar. You can take katori. So guys, we have to make chashni of it in a big utensil which are available in your home. So guys, we will meet after. So guys, आप देख सकते हैं मैंने इधर पानी और ये चीनी डाल दी है. अब हमें इसे रोटेट करना है. गाइज, ये आप ना करें तो बेहतर है. अगर आप 20 ईयर्स अप्स हैं तो आप ये कर सकते हैं. अगर आप डाउन हैं 20 ईयर्स तो आप नहीं कर सकते क्योंकि डेंजर है आपके लिए. सो गाइज, हमें इसकी चाशनी बनानी है. So we will meet after chashni. After few minutes, you have to add ararot. You can add ararot, chawal ka aata. You can add milk powder. And guys, you can also add corn flour. Anything which are available at your home. So I am adding this milk powder in chashni. सो गाइज, आप देख सकते हैं इसका ऐसा कलर हो गया है. मैंने इस पर मिल्क पाउडर मिलाया था. देखिए, थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है. अभी हम इसे और गाढ़ी करेंगे. गाइज, हमें मिल्क पाउडर और विच एवर थिंक आई हैव टोल्ड बिफोर इट, यू कैन एड एनी थिंग. आई हैव टोल्ड यू 4 थिंग्स. फर्स्ट अरारोट, मिल्क पाउडर, चावल का आटा एंड कॉर्न फ्लोर. वी हैव टू ऐड दिस इन टू चाशनी व्हेन इट इज सॉल्व इन द वाटर. आफ्टर दैट गाइस, जब आपका जो भी आपने डाला चारों चीजों में से, लाइक मैंने मिल्क पाउडर डाला है, उसके बाद हमें सो गाइज, जब वो हमारा तीनों चीजें इंग्रेडिएंट्स पक जाएंगी, उसके बाद हमें उसमें बटर ऐड करना है. गाइज, उसमें हमें थोड़ा सा बटर ऐड करना है. आप देख सकते हैं मेरा कैसा कलर हो गया है. सो गाइज, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स भी बन गए हैं. गाइज, हमें इसको 1 मिनट तक चलाना है. फिर हमें इसे, आप कितनी देर चला सकते हैं. गाइज, जब हमारा अच्छे से बटर मिल जाए एकदम अच्छे से, उसके बाद हमें, आपके पास अगर हर्शेस शेक हो तो आप वो यूज कर सकते हैं, या आप कोको पाउडर भी यूज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं मेरा हर्शेस, मेरे पास हर्शेस था तो मैं अब हर्शेस यूज करूंगी इसमें. गाइज, जितनी आपने शुगर लिया उतना ही आपको हर्शेस भी लेना है. सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने इसमें हर्शेस सिरप मिलाया है और ये इतना गाढ़ा हो गया है हमारा. गाइज, हमें इसे ऐसे ही चलाना है थोड़ा, जिससे हमारा और गाढ़ा हो जाए. गाइज, हमें इसे थोड़ी देर में फिर से चलाना है. तो आप देख सकते हैं मेरी कितनी गाढ़ी हो गई है. आप देख सकते हैं गाइज, मैंने लो गैस कर रखी है. मैंने पूरे में लो गैस ही रखी थी. सो गाइज, आपने शुरू में थोड़ा सा इसे चलाया था तो बीच में ऐसा हो गया होगा आपका, या फिर थोड़ा चेंज होगा आपका. इसके बाद हमें 5 to 10 मिनट्स इसे चलाते रहना है, सो दैट ये और गाढ़ा हो जाए और अच्छा टेस्ट आए इसका. आप देख सकते हैं मेरा कितना गाढ़ा हो गया है. गाइज, अब मैं इसमें इतना बटर और डाल रही हूँ
गाइस मैंने अपनी जो कि मैंने कढ़ाई ले रखी थी एक, आप कोई सा भी बिग बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपकी चॉकलेट आराम से बन जाए। सो गाइस उसमें आप अमूल बटर ले सकते हैं। सो गाइस अब मैंने इस गैस को बंद कर दिया है और मैंने इसे नीचे रख दिया है। गाइस हमें फिर भी चलाते रहना है इसे नीचे रखकर। आप देख सकते हैं मेरी कितनी गाढ़ी हो गई है। सो गाइस हमारी चॉकलेट बन गई है, बस हमें इसे थोड़ा सा और चलाते रहना है जिससे हमारी थोड़ी और अच्छी हो जाए। सो गाइस हमारी चॉकलेट बन गई है, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है अब। और सो गाइस आप इसे आइसक्रीम बोल्ड में भी जमा सकते हैं। एंड गाइस मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में चॉकलेट बोल्ड कैसे बनाते हो बताया था। सो गाइस मैं इसे यूज़ करूँगी। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि इसके अंदर चॉकलेट भर दिया। एंड गाइस मैं आइसक्रीम बोल में भी भर दूंगी ऐसी चॉकलेट्स अपनी सारी। सो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी चॉकलेट हो गई है, अब मैंने एक इसमें भी जमाई है। गाइस अब हमें इसे फ्रिजर में रखना है। गाइस हमें इसे 6 to 7 hours तक इसे फ्रिज में रखना है जिससे ये अच्छे से हो जाए। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आशी जेंस चैनल। एंड गाइस प्लीज टेल मी विच वीडियो यू हैव टू वॉन्ट इन द नेक्स्ट एपिसोड। बिफोर देन टाटा बाय, सी यू गाइस।